संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही शुरू हो गई है। बजट सत्र का दूसरा चरण 8 अप्रैल तक चलेगा। विपक्षी दल बजट सत्र के दौरान केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में हैं। विपक्षी दल कई मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे। बताया जा रहा है कि विपक्षी पार्टी केंद्र सरकार पर बेरोजगारी, पीएफ पर ब्याज दर में कटौती और यूक्रेन में फंसे भारतीयों की निकासी समेत कई मुद्दों को लेकर हमला कर सकते हैं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम जनता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विशेष रूप से यूक्रेन में फंसे छात्रों की समस्याओं को दूर करने के अलावा महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा करेगी। राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों की निकासी के लिए चलाए गए अभियान के लिए केंद्र सरकार की तारीफ की। नायडू ने कहा कि यूक्रेन से बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों को निकालने की आवश्यकता थी। यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। भारत सरकार इस मौके पर भारतीय छात्रों के साथ साथ अन्य देशों के कुछ छात्रों को निकालने के लिए तैयार हुई। यह प्रयास काबिले तारीफ है। पीएम नरेंद्र मोदी कार्यवाही में भाग लेने के लिए लोकसभा पहुंच चुके हैं। भाजपा सांसदों ने पीएम का जोरदार स्वागत किया। सांसदों ने लोकसभा में मोदी मोदी के नारे लगाए। भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कितना भी मंथन करे, वह परिवारवाद से बाहर नहीं निकल सकती। कांग्रेस राजा महाराजाओं का रजवाड़ा है और कांग्रेस को इससे बाहर नहीं निकलना है। जनता ने इनको बाहर करने का मन बना लिया है। संसदीय बोर्ड उत्तराखंड पर जल्द निर्णय लेगा।